खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू पटेल के नेतृत्व में अनिल सिंह वीरू, मुकुल सिंह आशा, अमित सिंह मीतू, अजय पाल, हरिनाम सिंह यादव, अलंकार सिंह आदि ने अपने घरों पर रहकर बेरोजगार युवाओं के समर्थन में 9 सितंबर की रात्रि 9 बजे से 9 मिनट तक युवाओं के समर्थन में दिए, टॉर्च, मोमबत्ती, मोबाइल आदि चलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया तथा युवाओं को रोजगार देने की मांग की गई। इसके अलावा भागीदारी भारतीय संकल्प मोर्चे के घटक दल राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम कालवा व भारतीय सोहेलदेव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी के नेतृत्व में भी गांव के समर्थन में अपने अपने कार्यालयों, घरों आदि की लाइट बंद कर दिए, मोमबत्ती, मोबाइल, टॉर्च आग जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा कांग्रेस के भी सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सचिव जीतलाल सरोज की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर अध्यक्ष जमील अहमद, जिला उपाध्यक्ष साधु सिंह, दीपेंद्र सिंह, सोनू दीक्षित, महिला जिला अध्यक्ष सुनीता देवी, विजय प्रभारी भोमिया, सेवा दल जिला अध्यक्ष सचिव भूषण शुक्ला ने भी युवाओं के समर्थन में दिए, मोमबत्ती, मोबाइल, टॉर्च आग जलाकर विरोध प्रदर्शन किया तथा मोदी व योगी सरकार के बेरोजगार विरोधी, नौजवान, किसान, मजदूर विरोधी बताया। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के नौजवान बेरोजगार जो परेशान हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, जो आज मोदी जी, योगी जी की नीतियों की वजह से अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने इस आधार पर मोदी और योगी जी को वोट दिया था, इस उम्मीद पर मोदी योगी जी को वोट दिया था कि वो सरकार में आएंगे तो उनको रोजगार देंगे, उनको नौकरी देंगे और उनको बेकारी भत्ता देंगे, लेकिन इन तीनों में से कोई भी काम मोदी और योगी जी की सरकार नहीं कर रही है। इसलिए आज पूरे देश में बेरोजगार नौजवानों ने ये संकल्प लिया है घरों की लाइट 9 मिनट बंद करके, 9 बजे रात को 9 मिनट बंद करके वो लोग मोदी और योगी जी की कुनीतियों और जो उनकी जन विरोधी नीतियां हैं उनका विरोध प्रकट करेंगे। आज हम लोग मोमबत्तियां जलाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में आज हम लोगों ने कैंडल और मोबाइल की टार्च जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने का काम किया है। जिस तरीके से बढ़ती हुई बेरोजगारी, सरकार ना तो नौकरी दे रही ना रोजगार दे रही है, ये गुंगी भैरी सरकार, ये अंधी सरकार को हम लोगों ने टार्च की रोशनी, मोबाइल की रोशनी जलाकर, कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है ताकि इस अंधी सरकार को बेरोजगारी दिखाई पड़े। आज देश पूरी तरीके से बदहाल हो चुका है, मगर इन लोगों को ना तो नौजवानों की नौकरी की चिंता है। जब नौजवान नौकरी मांगने की बात करते हैं तो ये लोग धर्म में उलझा देते हैं। इनके पास सिर्फ धर्म के अलावा कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, उसमें ही भटकाने का काम करते हैं। मगर बेरोजगार जाग चुका है, बेरोजगार अब इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाकर रोजगार देने का काम करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ 9:09 पर 9 मिनट के लिए मोमबत्तियां जलाकर बेरोजगार युवाओं के हक की आवाज़ उठाने का काम किया है। आप जान रहे हैं, सारे आंकड़े आपके सामने हैं कि देश की स्वतंत्रता के बाद आज़ादी के इतिहास में 45 सालों में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भयंकर बेरोजगारी है। जो रोजगार लोगों के पास था भी, उस रोजगार को भी लॉकडाउन में GST और नोटबंदी में छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया और भाजपा सरकार का हर फैसला, जो भी फैसला उन्होंने लिया, वो सारे के सारे फैसले लोगों को, गरीब मजदूर किसानों के खिलाफ हुए, उन पर हमले थे और उनको बेरोजगार करने का काम लगातार सरकार ने 6 सालों में किया है। हमारी मांग है कि युवाओं को रोजगार देना चाहिए। मोरों को दाना चुगाने से देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। ये जो छोटी छोटी सलाहें दी जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि देसी कुत्ते पालिए, मोरों को दाना खिलाइए, पकौड़े तलिए, ये सलाहें देने से अच्छा है कि मन की बात करने के बजाय युवाओं के मन की बात मोदी जी सुने और उनको रोजगार देने का काम करें। हमारी मांग है, हम युवाओं के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। यूपी के हरदोई से
अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।